Good morning, students. I'm Meenakshi, and today I'm going to explain the lesson The Selfish Giant from the book It So Happened. The writer of the lesson is the Oscar Wilde, who has written a lot of English stories for the children. So there are two main characters in the stories. The two main characters are the selfish giant and the children. The story revolves around the selfish giant garden, where the children used to come and play every afternoon after their school is over. But the selfish giant did not like it. The selfish giant built a huge wall around the garden and put up a notice board. Okay, student. So the children can't come in the garden. When the children cannot come in the garden, then there was no spring season, no autumn season came, and there was only one season, that was only winter season. Till the time there is a change in the heart of the selfish giant. Okay, students, so this was a short summary. Ye ek short summary thi. Now we will get to know how the heart of the selfish giant change. Okay, students, so the outline of the story is the giant's garden was beautiful and children loved to play in it. तो जो जैंट का जो गार्डन था, जिसके अराउंड स्टोरी रिवॉल्व करती है, वो इट वाज अ वेरी लवली गार्डन, और चिल्ड्रन जो थे वहाँ पर खेलते थे, अपना स्कूल से आते थे और वहाँ पर खेलना पसंद करते थे. जैंट हु वाज सेल्फिश बिल्ट अ ह्यूज वॉल अराउंड हिज लवली गार्डन. सेल्फिश जैंट को ये बात पसंद नहीं आई और उसने क्या किया, उसने एक ह्यूज वॉल, जो एक बड़ी सी दीवार, उसने बड़ी ऊंची सी दीवार उसने गार्डन के चारों तरफ बनवा दी, ताकि वहाँ पर कोई बच्चा एंटर ना कर पाए. चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन. अब क्या हुआ, चिल्ड्रन जो थे वो गार्डन के अंदर जा नहीं पाए. देन नॉर डिड स्प्रिंग एंड समर. ना तो उसके बाद स्प्रिंग सीजन आया, ना ही समर सीजन आया. टिल द जेंट एक्सपीरियंस्ड ए चेंज ऑफ हर्ड. अब ना तो स्प्रिंग सीजन आया, ना ही वहाँ पर समर सीजन आया, जब तक कि सेल्फिश जेंट के हर्ट के अंदर चेंज नहीं आया, बदलाव नहीं आया. इट मीन्स जब तक सेल्फिश जेंट का बिहेवियर बैड से गुड में चेंज नहीं हो गया. अब स्टूडेंट्स, ये उसका बिहेवियर चेंज कैसे होगा. नाउ वी विल रीड द लेसन एंड वी विल कम टू नो. ओके स्टूडेंट्स, नाउ एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम द स्कूल द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जेंट्स गार्डन. अब स्टूडेंट्स, स्टोरी के अंदर हर दोपहर को जब स्टूडेंट्स जो थे अपने स्कूल से आते थे, जब उनका स्कूल ऑफ हो जाता था, तो वे जब घर आते थे तो वे वहाँ पर रास्ते में एक सेल्फिश जेंट का गार्डन था, वो वहाँ पर जाते थे और वो वहाँ पर खेलते थे और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे. इट वाज अ लार्ज लवली गार्डन. वो बहुत प्यारा सा गार्डन था, बहुत बड़ा गार्डन था, विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. और वहाँ पर जो ग्रास थी इतनी सॉफ्ट थी, वहाँ पर ऐसे लग रहा था कि जैसे वहाँ पर मखमल बिछी हुई हो. हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स. और वहाँ पर घास के बीच में जो फ्लावर्स थे इतने सुंदर लग रहे थे जैसे कि आसमान में तारे सुंदर लगते हैं. एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक इन टू डेलिकेट ब्लॉसम्स. और वहाँ पर 12 आड़ू के पेड़ थे गार्डन में, जो कि स्प्रिंग सीजन में उनके अंदर इतने सुंदर फ्लावर्स आ गए थे पिंक कलर के. एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट्स. और ऑटम के सीजन में वहाँ पर फ्रूट्स लग गए. द बर्ड सेट ऑन द ट्रीज एंड सैंग सो स्वीटली दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स. और वहाँ पर जो पेड़ों पर जो पक्षी थे उन्होंने इतनी मधुर आवाज़ में गाना गाया कि चिल्ड्रंस अपना खेलना भूल गए और वहाँ पर बर्ड्स के मीठी धुन को, बर्ड्स के मीठे गाने को सुनने लगे. हाउ हैप्पी वी आर हेयर, दे क्राई टू ईच अदर. हम यहाँ पर कितने खुश हैं, वे एक्साइटेड होके वे चिल्लाने लग गए कि हम यहाँ पर इतने खुश हैं. वन डे द जेंट केम बैक. अब एक दिन वो सेल्फिश जेंट जिसका ये गार्डन होता है वो वापस आ जाता है. ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑगरे. वो
कहीं गया हुआ था। कहाँ गया था स्टूडेंट्स? वो अपने फ्रेंड कॉर्निश ओग्रे के घर गया हुआ था और वो वहाँ पर 7 ईयर्स तक उसने टाइम स्पेंड किया था। When he arrived, he saw the children playing in the garden. और जब वो अपने घर पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं उसके गार्डन में। What are you doing here? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? सेल्फी जेंट ने गुस्से की आवाज़ से, एक बड़ी ही हार्श आवाज़ से उनको, चिल्ड्रंस को बोला, और जिससे डर कर बच्चे वहाँ से भाग गए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन, सेड द जेंट। अब जेंट ने कहा, ये मेरा गार्डन है, मेरा गार्डन है। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल अलो नो बॉडी टू प्ले इन इट। हर एक को ये समझना चाहिए और मैं किसी को एलो नहीं करूँगा यहाँ पर खेलने के लिए। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड। तो उसने क्या किया स्टूडेंट, उसने उस गार्डन के चारों तरफ एक बड़ी सी जो थी, बड़ी सी ऊंची सी दीवार उसने बनवा दी और वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लगवा दिया। और उस नोटिस बोर्ड पे उसने कुछ लिखवा दिया। क्या लिखवाया स्टूडेंट्स? दैट ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेसपासर क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्रेसपासर्स मीन्स घुसपैठिया, मीन्स जो बिना किसी की परमिशन लिए किसी की लैंड या प्रॉपर्टी में आ जाता है, किसी की प्रॉपर्टी ले लेता है या फिर किसी लैंड किसी की ज़मीन में घुस आता है, तो उसे हम बोलते हैं घुसपैठिया। तो ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड मीन्स जो बिना परमिशन के अंदर आएगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। प्रोसिक्यूटेड मीन्स पनिशमेंट। ओके स्टूडेंट, ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जॉइंट। वो बहुत स्वार्थी जेंट था। स्टूडेंट, जेंट्स मीन्स दैट पर्सन हु हैज़ अ ह्यूज बॉडी, हु हैज़ अ ह्यूज टॉल बॉडी, जिसका एक लंबा चौड़ा शरीर होता है। बट दैट डजेंट मीन्स कि वो डेविल होता है, बिकॉज जेंट्स ऑल्सो हैव सम गुड क्वालिटीज। द पुअर चिल्ड्रन हैड नो वेयर टू प्ले। अब क्योंकि चिल्ड्रंस वहाँ गार्डन में नहीं जा सकते थे तो उनके पास कोई ऐसी जगह बची नहीं थी कि वो वहाँ पर खेलें कहीं पर, उनके पास ऐसी कोई जगह नहीं थी। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्टी। उन्होंने कोशिश की कि वो वहाँ पर रोड पर खेलें, बट वो जो रोड थी वो धूल मिट्टी से भरी हुई थी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, और वहाँ पर जो थे कठोर पत्थर थे वहाँ पर, इसलिए वो वहाँ पर खेल नहीं सकते थे, कहाँ पर? रोड पर। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और इसीलिए उन्होंने वहाँ पर रोड पर खेलना पसंद नहीं आया। दे यूज टू वंडर राउंड द हाई वॉल। वंडर मीन्स घूमना। वे जो थे उस गार्डन के जो बाहर थी वॉल, वे वहाँ पर आसपास वहाँ पर जाते थे, वो वहाँ पर घूमते थे। व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर, जब उनके लेसन्स पूरे हो जाते थे, दे सेड टू ईच अदर, और वे ये कहते थे, हाउ हैप्पी वी वर देयर, कि हम वहाँ पर गार्डन में कितने खुश थे, जब हम वहाँ पर गार्डन में खेलते थे, इंजॉय करते थे, तब हम वहाँ पर कितने खुश हैं। देन द स्प्रिंग्स केम। अब उसके बाद क्या आया? उसके बाद वहाँ पर उस कंट्री में स्प्रिंग सीजन आया। स्टूडेंट्स, ये स्टोरी जो है ये ब्रिटेन के अंदर जो है, ये स्टूडेंट्स जो है स्टोरी ये ब्रिटेन की है, और उसमें जो स्प्रिंग सीजन आता है, इट इज़ वेरी लवली सीज़न, और वहाँ पर ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं स्प्रिंग के सीज़न में। ओके स्टूडेंट्स, तो स्प्रिंग के का मौसम आ गया वहाँ पर उस देश के अंदर। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटल ब्लॉसम्स एंड लिटल बर्ड्स, और वहाँ पर सुंदर सुंदर छोटे छोटे फ्लावर्स आए, और वहाँ पर पक्षी आए, लिटिल बर्ड्स आए सबके गार्डन्स में, ऑल ओवर द कंट्री। ओनली इन द गार्डन ऑफ सेल्फिश जेंट इट वॉज स्टिल विंटर। बस एक सेल्फिश जेंट के गार्डन ही में जो है स्प्रिंग सीजन नहीं आया। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, और बर्ड्स ने कोई परवाह नहीं की वहाँ पर गाना गाने की। क्यों नहीं की? बिकॉज देर वर नो चिल्ड्रंस इन द गार्डन, क्योंकि वहाँ पर कोई भी चिल्ड्रन नहीं थे जो कि वहाँ पर खेल सकें, और वहाँ पर इसलिए वहाँ पर ना तो स्प्रिंग सीजन आया ना ही वहाँ पर बर्ड्स आए। देर वर नो बर्ड्स, देर वर नो चिल्ड्रंस, क्योंकि चिल्ड्रंस नहीं आए तो वहाँ पर ना तो बर्ड्स आए ना ही स्प्रिंग सीजन आया। एंड द ट्रीज फॉरगेट टू ब्लॉसम, और जो ट्रीज थे उनके अंदर भी फ्लावर नहीं आए, तो उनके अंदर भी फ्लावर नहीं आए ना ही उनके अंदर फ्रूट्स आए। वंस अ ब्यूटिफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास बट वैन इट सॉ द नोटिस बोर्ड इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन। एक बार ग्रास में से एक ब्यूटिफुल
फ्लावर ने ग्रो करने की कोशिश की, बट जब उसने वहाँ पर नोटिस बोर्ड देखा, साइन बोर्ड देखा, तो उसे जो था उसे बहुत बुरा लगा बच्चों के लिए कि बच्चे वहाँ पर नहीं आ सकते हैं और ये नोटिस बोर्ड लगा दिया है बच्चों के लिए। उसने क्या किया, दैट इट स्लिप बैक इन टू द ग्राउंड अगेन, कि वो वापस ज़मीन में चला गया एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और वो वहाँ पर फिर से सो गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज वर द स्नो एंड द फ्रोस्ट, वहाँ पर आकर कौन खुश हुआ, वहाँ पर आकर ना तो चिल्ड्रन खुश हुए, ना वहाँ पर ट्रीज खुश थे, वहाँ पर कौन खुश था, वहाँ पर खुश था स्नो, खुश था स्नो मीन्स बर्फ, एंड फ्रोस्ट मीन्स क्या होता है, फ्रोस्ट मीन्स ओस पाला, जो स्टूडेंट्स जो विंटर के सीजन में जो पत्तों पे जो पेड़ों के पत्तों पे जो निशान होते हैं, जो ओस के बूंदे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फ्रोस्ट। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन दे क्राइड, फ्रोस्ट और स्नो ने चिल्लाए, वे खुशी से चिल्लाए कि यहाँ पर स्प्रिंग सीजन नहीं आया है, पूरे कंट्री में आ गया है बट यहाँ पर स्प्रिंग सीजन नहीं आया है। सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर अराउंड, और इसलिए हम यहाँ पर पूरा साल रहेंगे। वे इंजॉय कर रहे थे, वे इस बात से खुश थे कि यहाँ पर क्योंकि स्प्रिंग सीजन नहीं आया है इसलिए हम पूरा साल यहाँ पर आएंगे और मज़े करेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लोक, जो स्नो थी स्टूडेंट्स, जो बर्फ थी, उसने घास को एक पूरा जो था वाइट कलर का ढक दिया, जो वाइट कलर का जैसे क्लोक मीन्स एक जो होता है रजाई का कपड़ा होता है, जिस तरह से एक रजाई का कपड़ा होता है वाइट कलर का, इसी तरह से उसने घास को बिल्कुल वाइट जो है शीट की तरह उसने कवर कर दिया। और उसने और उसके बाद जो है कि स्नो ने क्या किया, स्नो एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और जब फ्रोस्ट थी, फ्रोस्ट ने ट्रीज को बिल्कुल वाइट कलर का कर दिया, जैसे कि सिल्वरी वाइट कलर का टर्न कर दिया, चेंज कर दिया ट्रीज का कलर। देन दे इनवाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, उसके बाद उन्होंने उत्तर की हवा को इनवाइट किया, जो नॉर्थ की विंड होती है बहुत ज़्यादा वो कोल्डेस्ट होती है, बर्फीली हवा होती है, उसे हम बोलते हैं नॉर्थ विंड। तो उन्होंने नॉर्थ विंड को भी इन्वाइट कर दिया अपने साथ रहने के लिए। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, ही केम, ही वॉज रैप्ड इन फर्स, अब नॉर्थ विंड आ गई वहाँ पर किसके साथ में, स्नो, और स्नो एंड फ्रोस्ट वॉज ऑलरेडी देयर। तो उसके बाद जो है नॉर्थ विंड भी वहाँ पर आ गई और उसने जो है अपने आप को रैप किया हुआ था फर में, जैसे कि कोई फर का कोट पहनता है ऐसे ही उसने अपने आप को रैप किया हुआ था फर्स में। एंड ही रोड ऑल डे, और उसने पूरा दिन गर्जना की अबाउट द गार्डन एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, और उसने पूरा दिन जो है गार्डन के अंदर गर्जना की और उसने चिमनी के बर्तनों को तोड़ दिया, नीचे गिरा दिया। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पोर्ट ही सेड, और नॉर्थ विंड ने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सीन है, बहुत ही डिलाइटफुल सीन है। वी मस्ट आस्क द हेल ऑन ए विजिट, और हमें जो है हेल को भी बुलाना चाहिए। हेल क्या होता है स्टूडेंट्स, हेल मीन्स होता है ओले। उन्होंने कहा कि अब हमें हेल को भी बुला लेना चाहिए, सो द हेल कम, और उन्होंने इनवाइट किया तो हेल भी आ गया वहाँ पर। एवरी डे फॉर 3 आवर्स ही रेटल्ड ऑन द रूफ ऑफ कैसल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, और हर रोज़ वो 3 घंटे रेटल करता था, रेटल की साउंड करता था, वो बहुत ज़ोर से आवाज़ करता था, और इतनी आवाज़ करता था उसने कैसल की रूफ पे इतनी ज़्यादा आवाज़ की, और उसने वहाँ की चीज़ों को तोड़ दिया, काफ़ी चीज़ों को तोड़ दिया, और उसने जो जहाँ पर उस पर रूफ के अंदर जो स्लेट्स थी, मोस्ट ऑफ द स्लेट्स को उसने वहाँ पर तोड़ दिया। एंड देन ही रैन अराउंड एंड राउंड ही द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो, और उसके बाद हेल ने क्या किया, उसने गोल गोल चक्कर काटे उसने गार्डन में, जितनी स्पीड से वो काट कर सकता था उसने उतनी ही स्पीड में उसने चक्कर काटे। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, उसने जो थे ग्रे कलर के जो थे क्लोथ्स पहने हुए थे, एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस, और उसकी जो सांसें थी दे वर सो मच कोल्ड लाइक द आइस। तो स्टूडेंट्स इसमें फ्रॉस्ट को, स्नो को, हेल को और नॉर्थ विंड को पर्सोनीफाई किया हुआ, जैसे कि ह्यूमन्स है, उन्होंने ह्यूमन्स के करेक्टर की तरह उनको जो है एक्सप्रेस किया हुआ, जैसे कि वे ह्यूमन हो और वे आपस में बातें करते हैं, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करते हैं, तो इसके अंदर पर्सोनीफिकेशन का यूज़ किया गया है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग सेड द सेल्फिश जेंट, अब वो बेचारा सेल्फिश जेंट बोला जब उसके गार्डन में
स्प्रिंग सीजन नहीं आया तो उसने ये कहा कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो है स्प्रिंग सीजन अभी तक क्यों नहीं आया। एज ही सेट एट द विंडो एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, जब उसने अपने खिड़की में से जो है अपने गार्डन को देखा तो उसने ये कहा कि अब तक स्प्रिंग क्यों नहीं आया है। आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर, और मैं आशा करता हूँ कि मौसम के अंदर जल्दी ही चेंज होगा। बट द स्प्रिंग नेवर कम नॉर द समर, बट ना तो स्प्रिंग सीजन आया और ना ही समर सीजन आया। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन। स्टूडेंट्स, सेल्फी जेंट के ही गार्डन में जो था स्प्रिंग सीजन नहीं आया था, बट ऑल ओवर स्प्रिंग सीजन भी आ चुका था और अब ऑटम भी आ चुका था। तो ऑल ओवर द कंट्री अब जो है ऑटम सीजन आ चुका था और वहाँ पर उसने ऑटम के अंदर जो थे प्यारे प्यारे फ्रूट्स, गोल्डन फ्रूट्स जो है हर गार्डन में दिए। बट सेल्फिश जेंट के गार्डन में ना तो स्प्रिंग सीजन आया और ना ही ऑटम सीजन आया। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, बट टू द जेंट्स गार्डन शी गेव नन। ऑटम के अंदर हर एक के घर के अंदर जो थे फ्रूट्स आ गए थे, बट सेल्फिश जेंट के वहाँ पर ना तो स्प्रिंग सीजन आया ना ही ऑटम सीजन आया। ही इज़ टू सेल्फिश, शी सेड। उन्होंने कहा कि ये बहुत स्वार्थी है, ये जो जेंट है बहुत सेल्फिश है। शी सेड सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, और क्योंकि वो सेल्फिश है वहाँ पर चिल्ड्रन भी नहीं है तो वहाँ पर केवल एक ही मौसम रहा, देयर वॉज ओनली विंटर सीजन। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रोस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज। और नॉर्थ विंड, हेल, फ्रोस्ट और स्नो, ये सब वहाँ पर स्नो सेल्फिश जेंट के गार्डन में थे, वे डांस कर रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, वन मॉर्निंग द जेंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड When he heard some lovely music. अब एक बार क्या था, एक बार सेल्फिश जेंट जो था अपने बेड पे जो था लेटा हुआ था और जागा हुआ था, तब उसने क्या देखा, उसने देखा कि उसके कानों में एक मधुर सा संगीत सुनाई दिया। It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musician. अब उसके कानों में वो जो संगीत सुना उसने तो इतना स्वीट लग रहा था कि उसे ये लगा कि राजा का कोई म्यूजिशियन पास से जा रहा था, क्योंकि उसको वो जो था उस सॉन्ग बहुत ज़्यादा मीठा लगा था। बट इट वॉज रियली ओनली ए लिटल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, बट वो तो केवल एक छोटी सी चिड़िया थी, उस लिनेट थी जो यूके में जो स्पैरो होता है वो उसका नाम है लिटल लिनेट, तो वो एक लिटल लिनेट थी जो कि उसकी विंडो के आउटसाइड, जो कि उसके विंडो के बाहर गाना गा रही थी। बट इट वॉज सो लॉन्ग, पर वो इतना टाइम हो गया था सिंस ही हैड हर्ड अबाउट सिंगिंग इन हिज गार्डन, बट इतना टाइम हो गया था उसे किसी का मधुर गाना सुने हुए कि उसे वो दुनिया का सबसे अच्छा सॉन्ग लग रहा था, ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। देन द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड। अब क्या हुआ, अचानक से हेल ने डांस करना बंद कर दिया, ओलो ने डांस करना बंद कर दिया। एंड द नॉर्थ विंड सीज रोरिंग, और नॉर्थ विंड ने उत्तर की हवा ने गर्जना करनी बंद कर दी। एंड ए डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, और एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल परफ्यूम, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुगंधित जो था, बहुत ही सुंदर सुगंधित जो थी हवा जो थी उसकी खिड़की से आई। केसमेंट मीन्स स्टूडेंट्स विंडो, उसकी खिड़की से एक बहुत ही अच्छी सुगंध आई। ओके, आई बिलीव एंड द नॉर्थ विंड, आई बिलीव दैट स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट। और जब उसने वो इतनी अच्छी सुगंध उसने स्मेल की और इतना सुंदर जब म्यूजिक सुना तो उसने ये सोचा कि चलो अभी जो है कि अब जो है एट लास्ट स्प्रिंग सीजन जो है आ चुका है। सेट द जेंट एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट, और वो वहाँ पर कूदा अपने बेड से फटाफट से और उसने बाहर देखा कि स्प्रिंग सीजन आ गया है क्या, टू वेरीफाई करने के लिए। नाउ स्टूडेंट, देयर सेकंड पार्ट, द आउटलाइन इज द टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन, ट्रीज कवर देमसेल्फ विद बर्ड्स एंड ब्लूसम्स, द जेंट वॉज डिलाइटेड। अब जो था, अब वहाँ पर बच्चे आ गए थे, जब उसने खिड़की में से देखा तो चिल्ड्रंस आ गए थे और उन चिल्ड्रंस का जो था वेलकम करने के लिए ट्रीज़ ने जो है ट्रीज़ कवर हो गया था फ्लावर्स से, और बर्ड्स आ गए थे उन ट्रीज़ पर और वे सभी
जो था ब्यूटीफुल, जो था म्यूजिक जो है क्रिएट करते, ब्यूटीफुल सॉन्ग जो थे बर्ड्स जो है क्रिएट कर रहे थे. द जैंट वॉज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड्स बैक. अब जो जैंट है, जैंट जो है बहुत खुश हो गया कि उसके फ्रेंड्स जो है वापस आ गए हैं. एस्पेशली अ लिटिल बॉय होम ही लव डियरली, और जो है लिटिल बॉय जो उसका फ्रेंड था, एक लिटिल बॉय, उसको जब वो वापस आ गया तो उसको देखकर वो बहुत खुश हुआ. द लिटिल बॉय सून डिसअपीयर्ड ओनली टू रिटर्न मच लेटर. अब लिटिल बॉय जिसके साथ उसने कुछ टाइम बिताया था, जो उसका फ्रेंड था, वो कुछ वो काफ़ी टाइम तक नहीं आया कब आने के लिए, बिकॉज वो जो था स्टोरी के लास्ट में वो फिर से एक बार आया. अब वो, अब इसके अंदर जो नेक्स्ट पार्ट की स्टोरी क्या होगी स्टूडेंट्स, अभी नाउ आई एम गोइंग टू रीड. ही सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट. अब जब उसने विंडो खोली थी तो उसने एक मार्वेलस सीन देखा, एक बहुत वंडरफुल सीन देखा. वो सीन क्या था? थ्रू अ लिटल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रैप्ड इन. अब क्योंकि वहाँ पर हेल था, फ्रोस्ट था, स्नो थे, और इन्होंने जो है काफ़ी जो है मकान को जो है क्षति पहुँचाई थी, बहुत सारी चीज़ों को तोड़ दिया था, तो उस वॉल के अंदर भी एक जो है छेद हो गया था, और उस छेद से बच्चे वहाँ पर आ गए, गार्डन में एंटर कर गए, और उस हर और गार्डन के हर ट्री पे बच्चे वहाँ पर बैठे हुए थे. एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, और वे ट्रीज की हर एक ब्रांच पे बैठे हुए थे. इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड. जहाँ जहाँ पर ट्री था वहाँ पर उस ट्री की ब्रांचेज पे बच्चे बैठे हुए थे. एंड द ट्री वॉज सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम्स. और ट्रीज भी उन्हें चिल्ड्रंस को देखकर इतने खुश हो गए, इतने जो है उन्होंने इन्जॉयमेंट किया. ट्रीज़ ने भी बच्चों को देखा, क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों के बाद बच्चे देखे थे, कि उन्होंने ट्रीज़ ने अपने आप को जो है फूलों से कवर कर लिया. एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, और वे अपने जो आर्म्स को और अपनी ब्रांचेस को वे धीरे धीरे हिला रहे थे ट्रीज़ अबोव द चिल्ड्रन हेड्स. जो बच्चे थे उन बच्चों के हेड्स के ऊपर, उन बच्चों के सिर के ऊपर वे अपनी आर्म्स जो थे हिला रहे थे. आर्म्स मीन्स ब्रांचेस, ब्रांचेस को हिला रहे थे उनका वेलकम करने के लिए. द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट. अब जो है क्योंकि बच्चे आ गए थे, तो बच्चों के आने के बाद ट्रीज ने भी फ्लावर से अपने आप को कवर कर लिया था, और वहाँ पर बर्ड्स भी आ गए थे. बर्ड्स भी वहाँ पर चारों तरफ से उड़ रहे थे, और वे क्या कर रहे थे, वे जो थे चर्पिंग कर रहे थे, ट्विटरिंग विद डिलाइट. वे भी बड़ी खुशी से चहक रहे थे. एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास. और अब उस ग्रीन ग्रास से अब फ्लावर्स भी दिखने लगे थे, जो कि उससे पहले जब चिल्ड्रंस नहीं आते थे तो वे गायब हो गए थे. बट अब चिल्ड्रंस के आने के बाद वे सारे फ्लावर्स भी फिर से ग्रास में से दिखने लग गए थे. बहुत सारे फ्लावर्स भी आ गए थे एंड लाफिंग, और वे हंस रहे थे. ओके, इट वॉज सच ए लवली सीन. वो कितना प्यारा जो था सीन था. ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर. बस गार्डन का एक ही ऐसा कॉर्नर था जहाँ पर विंटर था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी. और वो कौन सा कॉर्नर था? इट वॉज अ फादेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन. वो जो था उस गार्डन का सबसे दूर का किनारा था. एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग ए लिटल बॉय. और उस वहाँ पर कौन था? वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था. ही वॉज सो स्मॉल. वो इतना छोटा था दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्री. वो इतना छोटा सा बच्चा था कि वो वहाँ पर जैसे सब ट्रीज की ब्रांचेज पे बैठे हुए थे, बट वो इतना छोटा था कि वो वहाँ पे ट्रीज पे चढ़ नहीं पा रहा था, उसकी ब्रांचेस पे बैठ नहीं पा रहा था. एंड ही वॉज वंडरिंग ऑल अराउंड इट क्राइंग बिटरली. और क्योंकि वो चढ़ नहीं पा रहा था तो वो पेड़, उस पेड़ के चारों तरफ घूम रहा था और जोर जोर से वो रो रहा था. द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो. तो बस एक वही ट्री था, क्योंकि उस ट्री पे वो बच्चा चढ़ नहीं पा रहा था, इसलिए वहीं केवल विंटर सीजन था. और बस एक वही ट्री था जिसके ऊपर जो था फ्रॉस्ट थी और जिसके ऊपर स्नो थी. एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबोव इट. और उसी ट्री के ऊपर नॉर्थ विंड जो थी, हवा तेज़ी से बह रही थी और गर्जना कर रही थी, क्योंकि वो जब बच्चा था बेचारा, वो अभी तक ट्री पर चढ़ नहीं पाया और वो जोर जोर से रो रहा था. क्लाइंब अप लिटल बॉय सेड द ट्री. ट्री ने कहा उसको, इसमें
मैंने ऑलरेडी आपको आई हैव टोल्ड यू कि जो है इसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज़ है, तो इसमें जो है पेड़ों को भी बातें करते हुए दिखाया गया है, उनकी इमोशंस है, उनकी इमोशंस को भी एक्सप्रेस किया है। तो अभी इसमें क्या है, क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, ट्री ने ये कहा कि चढ़ जाओ छोटे से बच्चे तुम चढ़ जाओ, एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, और वो जितना नीचे कर सकता था अपनी ब्रांचेस को उसने उतना नीचे की ताकि वो बॉय चढ़ सके, बट द बॉय वॉज टू टाइनी, बट वो बॉय था वो बहुत इतना छोटा था कि वो अभी भी जो है ब्रांचेस नीचे होने के बाद भी अभी भी वो चढ़ नहीं पाया, एंड द जेंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, और ये सब नज़ारा जो था वो जेंट देख रहा था, वो सेल्फिश जेंट ये सब जो था सीन देख रहा था, और ये सीन देखने के बाद कि जो बच्चा है वो अपने मैक्सिमम एफर्ट करने के बाद भी उस पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा है, तो उसका दिल पिघल गया सेल्फिश जेंट का, हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना सेल्फिश हो गया था, ही सैड नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर, अब मुझे पता चला, अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि स्प्रिंग यहाँ पर क्यों नहीं आया, अब उसको पता चल गया कि क्योंकि उसने चिल्ड्रन को एंट्री नहीं करने दी थी, उसने चिल्ड्रन को परमिशन नहीं दी थी गार्डन में आने की, इसीलिए ना तो वहाँ पर स्प्रिंग सीजन आया था ना ही ऑटम सीजन आया था, अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल पुट दैट पुअर लिटल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, अब उसने ये डिसाइड किया था कि अब मैं इस छोटे से बच्चे को इस ट्री के ऊपर चढ़ा दूंगा, क्योंकि वो खुद से चढ़ नहीं पा रहा था, एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और मैं इस दीवार को गिरा दूंगा, नॉक डाउन मीन्स होता है कि गिरा देना, एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और मेरा जो गार्डन है फिर से चिल्ड्रंस का प्ले ग्राउंड बन जाएगा हमेशा के लिए जैसा कि पहले होता था। He was really very sorry for what he had done. अब वो बहुत पछता रहा था, वो उसने realize की थी अपनी mistake कि उसने क्या कर दिया था। So he crept downstairs and opened the front door quite softly. इसलिए वो धीरे से नीचे की तरफ गया, उसने वो धीरे से नीचे की तरफ गया और उसने क्या किया, अपना front door open कर दिया softly, बहुत ही नरमी से उसने open कर दिया door and went out into the garden. और वो चुपचाप बिल्कुल धीमी सी आवाज़ में जो है वहाँ पर गार्डन में चला गया। बट वैन द चिल्ड्रन सो हिम दे वर सो फ्राइटन, बट जब वो आया गार्डन में तो बच्चों ने उसको देखा और बच्चे उसको देख के डर गए, क्योंकि उन्होंने तो वही एज्यूम किया हुआ था कि वो जो है सेल्फिश जेंट उनको परमिशन नहीं देगा गार्डन में आने की, इसलिए वे सारे बच्चे डर गए थे, एंड दे ऑल रैन अवे, और वे सारे डर के मारे भाग गए, एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और अब जब बच्चे वहाँ पर नहीं आए गार्डन में, जब गार्डन में बच्चे भाग गए थे तो क्या हुआ, फिर से विंटर सीजन आ गया, स्प्रिंग सीजन चला गया और विंटर सीजन फिर से आ गया क्योंकि बच्चे चले गए थे। ओनली द लिटल बॉय डिड नॉट रन, बस एक वही बच्चा था, छोटा सा बच्चा जो कि नहीं भागा था, फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जेंट कमिंग, क्योंकि उसकी आंखें जो थी आंसुओं से इतनी भरी हुई थी कि उसको दिखाई नहीं दिया कि सेल्फिश जेंट वहाँ पर आ रहा है। एंड द जेंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स, और जेंट जो है स्टोल अप मीन्स होता है कि चुपके से खड़े हो जाना बिना किसी आवाज़ के, और जो जेंट था वो वहाँ पर उसके पीछे, उस लिटिल बॉय के पीछे खड़ा हो गया चुपचाप, और उसने क्या किया, एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स, और उसने उसको बच्चे को आराम से लिया अपने हाथ में और क्या किया, उसने उसको पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया, एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, और एकदम क्या हुआ, एकदम जो ट्री था उसके ऊपर उसने अपने आप को कवर कर दिया फ्लावर्स से, एंड द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट, और उसके बाद क्या हुआ, जब ट्री ने कवर कर लिया अपने आप को फ्लावर्स से तो सारे के सारे बर्ड्स भी ट्रीज पर आ गए थे, एंड द लिटल बॉय स्ट्रेच आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग देम राउंड द जेंट्स नेक, और अब उस छोटे से बच्चे ने क्या किया, उसने अपनी दोनों बाहें फैलाई और उसने उसके गर्दन के चारों ओर उसके और सेल्फिश जेंट के गर्दन के चारों ओर डाला, एंड जेंट्स नेक एंड किस्ड हिम, और उसने जो है उसको प्यार भरा किस किया, एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जेंट वाज नॉट विक्ट एनी लॉन्गर, और जब उसने ये देखा कि वो बच्चे को प्यार कर रहा है, उस छोटे से बच्चे को प्यार कर रहा है,
तो उनको पता चल गया कि अब ये जो जैंट है वो अब दुष्ट नहीं रहा है और वे फिर से वापस आ गए. दे केम रनिंग बैक एंड विद देम केम द स्प्रिंग. और उसके बाद जब उनको रियलाइज हुआ कि जो है इसका जो है बिहेवियर, सेल्फिश जैंट का बिहेवियर चेंज हो गया है, तो वे वापस से गार्डन के अंदर आ गए. इट इज योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन, सेड द जैंट. अब जैंट ने ये कहा कि जो चिल्ड्रंस ये तुम्हारा ही गार्डन है, सेड द जेंट एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल. और उसने क्या किया, उसने एक बड़ी सी कुल्हाड़ी ली, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, और उसने क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया, वॉल को तोड़ दिया उसने. एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock दे फाउंड द जेंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रंस. और जब 12 बजे के आसपास वहाँ से लोग गुजर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि सेल्फिश जेंट जो है चिल्ड्रंस के साथ प्ले कर रहा है, खेल रहा है इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन. कि इतने प्यारे गार्डन में वो जो जैंट था वो बच्चों के साथ खेल रहा था. और वो ब्यूटीफुल क्यों बन गया था स्टूडेंट्स, वो चिल्ड्रंस के आने से ब्यूटीफुल बन गया था, क्योंकि जब चिल्ड्रंस नहीं थे तो ना तो वहाँ पे स्प्रिंग सीजन था, ना ही ट्रीज़ ने अपने आप को फ्लावर से कवर कर रखा था. ये क्योंकि चिल्ड्रंस ही वहाँ पर आए थे, तभी वहाँ पर स्प्रिंग सीजन आया था, तभी वहाँ पर फ्लावर्स आए थे और बर्ड्स वहाँ पर डिलाइटफुली चर्पिंग करे थे. तो चिल्ड्रंस के आने की वजह से उसका गार्डन फिर से लवली बन गया था. इट वॉज नाउ अगेन वेरी ब्यूटिफुल गार्डन. ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे कम टू द जैंट टू बिड हिम गुड बाय. और पूरा के पूरा दिन वे खेल रहे थे और शाम को जैंट ने उन सभी प्यारे बच्चों को, उन सभी छोटे बच्चों को गुड बाय की. बट वेयर इज़ यूर लिटल कंपेनियन. बट उसने जैंट ने पूछा कि वो छोटा सा बच्चा कहाँ गया. ही सैड द बॉय आई पुट इन टू द ट्री. जिस छोटे से बच्चे को मैंने पेड़ पे चढ़ाया था वो छोटा सा बच्चा कहाँ गया. द जैंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम. उस जैंट ने सबसे ज़्यादा उसी छोटे से बच्चे को प्यार किया था क्योंकि उसने, उस छोटे से बच्चे ने उसको किस किया था. We don't know, answered the children. Childrens ने कहा कि हम नहीं जानते. He has gone away, वो चला गया है. You must tell him to be sure and come tomorrow. तो अगर वो चला गया है तो तुम्हें उसके बोलना चाहिए कि कल ज़रूर आना. Said the giant, but the children said that they did not know where he lived. But अब उन बच्चों ने ये कहा कि हम नहीं जानते वो कहाँ पर रहता है. You must tell him to be sure to come tomorrow, said the giant, but the children said that they did not know where he lived and had never seen him before. और उन्होंने ये कहा कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ से रहता है और हमें नहीं पता वो कहाँ से आया था, हमने उसे कभी देखा ही नहीं था. And the giant felt very sad. और ये सुनकर giant बहुत उदास हो गया. He was very sad now. Giant ये सुनकर sad हो गया. Every afternoon when school was over, अब जब हर दोपहर को जब स्कूल जो था ओवर हो जाता था, the children came and played with the giant. तो बच्चे आते थे और उस giant के साथ में खेलने लग जाते थे because अब उसके behavior में change हो गया था. But the little boy whom the giant loved was never seen again. But जो छोटा सा बच्चा था वो कभी भी दिखाई नहीं दिया जैंट को. जैंट ने उसको इतना प्यार किया था बट वो अब फिर से नहीं आया. द जैंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन येट ही लॉन्ग फॉर हिज लिटिल फ्रेंड. अब जो जैंट था अब वो सभी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता था बट उस वो जो था वो अपने उस प्यारे से दोस्त को, उस प्यारे से छोटे से लिटिल फ्रेंड को मिस कर रहा था. एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, How I would like to see him. और वो अपने आप से ये बोलता था कि मैं कैसे उसको देख पाऊँगा. He was missing him very much. वो उसे इतना miss कर रहा था, वो बार बार यही बोलता था कि मैं उसे कैसे देखूँगा अब. He used to say, Years went by and the giant grew very old and feeble. और ऐसा करते करते कि अब जब हर रोज़ उसके गार्डन में जो थे बच्चे आते थे तो ऐसा चलते चलते बहुत साल बीत गए थे. एंड द जेंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल. अब जो था जेंट बूढ़ा हो चुका था एंड कमज़ोर हो चुका था. फीबल मीन्स स्टूडेंट्स कमज़ोर. ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर. अब वो बच्चों के साथ खेल नहीं पाता था. सो ही सैट इन अ ह्यूज आर्म चेयर. और अब वो बैठ गया था, एक आराम कुर्सी के ऊपर बैठ गया था. एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन. और उसने देखा बच्चों को और वो देखता था आराम कुर्सी पे बैठे बैठे बच्चों को देखता था कि
कि वो प्ले कर रहे हैं और वो एडमायर करता था अपने गार्डन को भी, वो बच्चों को भी देखता था कि वे खेल रहे हैं और अपने गार्डन की ब्यूटी देखकर भी बड़ा ही खुश होता था और उसकी प्रेज करता था। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मेरे पास इस गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, ही सैड, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, बट ये जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा अच्छे जो हैं, जो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर्स कौन है, ये तो ये सारे चिल्ड्रन ही हैं सबसे ज़्यादा जो ब्यूटीफुल हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुकड आउट ऑफ हिज विंडो, एक दिन क्या होता है, एक दिन सर्दी वाली मॉर्निंग में वो जो है बाहर देखता है, विंडो से बाहर देखता है, एज ही वॉज ड्रेसिंग, जब वो ड्रेस चेंज कर रहा होता है, ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब जो है उसे विंटर का सीज़न जो है उसको नापसंद नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि जब विंटर आ गया है तो उसके बाद स्प्रिंग भी आएगा, फॉर ही न्यू, क्योंकि वो जानता था दैट इट वॉज मेयरली द स्प्रिंग अस्लीप, क्योंकि जो है विंटर सीजन जो है अभी आया हुआ है, क्योंकि स्प्रिंग सीजन अभी सोया हुआ है, एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और इस टाइम पे अभी फ्लावर्स जो हैं आराम कर रहे हैं, वे सो रहे हैं, अभी रेस्ट कर रहे हैं फ्लावर्स विंटर के सीज़न में, और जब स्प्रिंग सीजन आ जाएगा तो ये फिर से फ्लावर्स आ जाएंगे और फिर से मेरा गार्डन जो होगा बिल्कुल फ्लावर्स से जो होगा फुल हो जाएगा, कवर हो जाएगा। सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वंडर एंड लुक्ड एंड लुक्ड, उसने एकदम कुछ देखा, उसने अचानक से देखा, उसने वो अपनी आईज को रब किया और उसने क्या देखा, और जब उसने कोई चीज़ देखी, उसने एक ऐसी चीज़ देखी कि वो बस देखता ही रह गया। इट सडनली वॉज ए मार्वेलस साइट, वो एक इतनी अच्छी साइट थी, वो एक वंडरफुल नज़ारा था, वो एक एकदम अलग ही नज़ारा था। वो क्या नज़ारा था स्टूडेंट्स, इन द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज ए ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम, उसने वो देखा कि जो सबसे दूर एक गार्डन के किनारे में जो एक जो ट्री है उसके अंदर जो है वाइट कलर के जो है फ्लावर्स आ गए हैं, उस ट्री ने अपने आप को वाइट फ्लावर से कवर कर लिया है। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, और उसके जो ट्री की ब्रांचेस थी उसकी शाखाएं जो थी गोल्डन कलर की हो गई थी, एंड सिल्वर फ्रूट्स हंग डाउन फ्रॉम देम, और जो थे जो फ्रूट्स थे सिल्वर कलर के थे जो कि उस ट्री की ब्रांचेस से लटक रहे थे, एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव, और उस ट्री के नीचे क्या था, वही लिटिल बॉय था जिसको वो बहुत दिनों से मिस कर रहा था, ईयर्स वेंट बाय कि बहुत साल बीत गए थे और वो बच्चा नहीं आया था और वो इसे इतना ईगरली मिस कर रहा था, तो वही बच्चा वहाँ पर उस पेड़ पर खड़ा था जिसे वो इतना मिस कर रहा था। इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और उस पेड़ के नीचे वही छोटा सा बच्चा था जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। डाउन स्टेयर्स रैन द जेंट इन ग्रेट जॉय, अब जो था वो सेल्फी जेंट जो था बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, एक्साइटेड हो गया, और वो फटाफट नीचे आ गया एंड आउट इन टू द गार्डन, और वो नीचे गार्डन में आ गया। ही हैसन अक्रॉस द ग्रास, और उसने जल्दी से उस ग्रास को क्रॉस किया, एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और वो जल्दी से उस बच्चे के पास आ गया। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर, और जब वो बच्चे के नज़दीक जाता है तो उसने कुछ ऐसा देखा कि उसको देख के उसका जो फेस था पूरा का पूरा लाल हो गया गुस्से से, और वो क्यों हो गया, एंड ही सैड हु हैथ डेयर टू वोंड दी, और उसने देखा उस बच्चे को देखा, उसने क्या कहा, हु हैथ डेयर टू वोंड दी, कि तुमको घायल करने की किसने हिम्मत की, वो कौन है जिसने तुम्हें घायल किया है, चोट पहुंचाई है। फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स, अब क्या था, उसने क्या देखा कि उसके जो छोटे सा बच्चा जो था उसकी हथेलियों पे दो कीलों के निशान थे, एंड द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, और ऐसे ही दो कीलों के निशान उसके पैरों पर भी थे, उसके छोटे छोटे पैर जो थे उसके छोटे छोटे पैरों के ऊपर भी कीलों के निशान थे। हु हैथ डेयर टू वुंड दी, क्राइड द जेंट, और वो गुस्से में एकदम चिल्लाया कि तुम्हें इस तरह से चोट किसने पहुंचाई है, टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, मुझे बताओ वो किसकी हिम्मत हो गई है कि जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है, मैं जो है अपनी बड़ी सी तलवार निकालूंगा और उसे मार डालूंगा। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, ने आंसर द चाइल्ड, अब वो छोटा सा बच्चा रिप्लाई करता है, जवाब देता है, ने मीन्स नो, नहीं, बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव,
नहीं ये वुंड, ये नहीं, ये निशान नहीं है, ये घाव नहीं है, बट ये तो प्यार के घाव हैं, ये तो प्यार के निशान हैं। हु आर्ट यू, तुम कौन हो, उसने जेंट्स ने पूछा उस छोटे से बच्चे से। सेड द जेंट एंड ए स्ट्रेंज फेल ऑन हिम, और एक अजीब सी और एक बिल्कुल अजीब सी जैसे फीलिंग उसको कभी नहीं आई थी, एक जो थी एक अलग ही फीलिंग उसको आई, डिवाइन फीलिंग उसको आई उस सेल्फिश जेंट को। एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटल चिल्ड्स, और जब वो डिवाइन फीलिंग्स आती है उस सेल्फिश जेंट के अंदर तो उसको रियलाइज हो जाता है कि वो लिटिल बच्चा कौन है, और वो उसके सामने एकदम झुक जाता है। नेल्ट मीन्स झुक जाना, और उस छोटे से बच्चे के सामने वो झुक जाता है। एंड इन द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जेंट एंड द चाइल्ड, और वो जो बच्चा है वो मुस्कुराया उस जेंट को देख के। एंड सैड टू हिम, यू लेट मी प्ले वंस इन यूर गार्डन, और वो बच्चा जो था, कौन था बच्चा, क्योंकि उसके दोनों हाथों के ऊपर जो थे कीलों के निशान थे और पैरों के ऊपर कीलों के निशान थे, और उसको एकदम डिवाइन फीलिंग्स आ गई गॉड की। उसने रियलाइज़ कर लिया कि ये कोई नहीं है, ये कौन है, ये है जीसस क्राइस्ट है, ये लॉर्ड जीसस क्राइस्ट है। एंड द चाइल्ड स्माइल ऑन द जेंट, और वो बच्चा मुस्कुराया जेंट को देख के। एंड सेड टू हिम, और उससे बोला, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, तुमने एक बार मेरे को अपने गार्डन में खेलने दिया था। टुडे यू शैल कम विद मी, और आज तुम आओगे मेरे साथ टू इन माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज, और आज मैं तुम्हें लेके जाऊंगा अपने गार्डन में जो कि क्या है, पैराडाइज है, स्वर्ग में। मीन्स वो बच्चा अब उसको सेल्फिश जेंट को लेके जाएगा वहाँ पर स्वर्ग में, क्योंकि जो है जेंट का बिहेवियर एकदम चेंज हो गया, वो काइंड हार्टेड हो गया, तो इसलिए अब वो अपने लास्ट टाइम में जो है उसको भगवान लेने आए हैं, जीसस क्राइस्ट जो हैं उसको पैराडाइज में ले जाने के लिए आए हैं। एंड वैन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, अब क्या होता है, अब वो लिटल चिल्ड्रन जो है, जो कि एक्चुअली में क्या होता है, जीसस क्राइस्ट होता है, वो उसको सेल्फिश जेंट को लेकर चला जाता है स्टूडेंट्स। एंड वैन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, और जब बच्चे फिर से आते हैं दोपहर को खेलने के लिए उस गार्डन में, तो वे क्या देखते हैं, दे फाउंड द जेंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, वे क्या देखते हैं कि वो जेंट जो है मरा हुआ है उस पेड़ के नीचे, ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम्स, कि वो जो है वो जेंट जो है उसी पेड़ के नीचे जो है मरा हुआ है, जिस पेड़ के ने जो है अपने आप को कवर किया हुआ है वाइट फ्लावर्स से। ओके स्टूडेंट, सो इन दिस लेसन द मैसेज इज कि जब सेल्फिश जेंट जो होता है उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, और वो सबके साथ जो है काइंड हार्टेड हो जाता है, और वो हर एक को परमिशन दे देता है, तो गॉड भी जो होता है उसकी रिस्पेक्ट करता है, और गॉड भी जो होता है उसके साथ जो होता है अफेक्शन हो जाता है गॉड का भी। और जिस तरह से उसने लिटिल चाइल्ड को खेलने दिया था अपने गार्डन में, और उसने उसको पेड़ पे बिठा दिया था, और इसी तरह से उसको जो था वो जो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट थे जो कि उस लिटिल चाइल्ड के रूप में आए थे, तो वो लिटिल चाइल्ड भी उसको जो था सेल्फिश जेंट को फिर से स्वर्ग में लेने के लिए आ गया था, क्योंकि अब वो हर एक बच्चे से प्यार करता था। सो दिस वाज द लेसन स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।